टाटा ब्लूस्कोप कंपनी गेट पर आज यूथ इंटेक ने प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन से स्थानीय लोगों को नौकरी दिए जाने की मांग की। ब्लूस्कोप कंपनी में बहुत जल्द बहाली होने वाली है। कंपनी इस बार 500 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने जा रही है, लेकिन कंपनी द्वारा नौकरी देने से पहले ही राजनीतिक शुरू हो गई है। बुधवार के दिन यूथ इंटेक के कार्यकर्ताओं ने ब्लूस्कोप कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन से स्थानीय को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग की। आज हम लोग यूथ इंटेक का तरफ से ब्लूस्कोप मैनेजमेंट को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के प्रबंधक को यह सूचित करेंगे कि जो आज बहाली होने जा रही है उसमें स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाए। और कुछ छुटभैया नेता जो आए दिन ब्लूस्कोप स्कोप कंपनी के गेट पे धरना प्रदर्शन करके चाह रहे हैं कि हम अपने आदमी को कंपनी में नियोजन करवा दें, कुछ पैसा भी वसूली हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग प्रबंधक से बात करेंगे और कोशिश यह करेंगे कि जो भी इम्प्लाई हो पूरा पारदर्शिता हो और डिग्री या डिप्लोमा और आईटीआई हमारे शहर में भी लड़के मौजूद है, यहाँ के लड़के को नौकरी में प्राथमिकता दिया जाए और बाहर से जो आ रहे हैं उन पर रोक लगाया जाए।